नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सुबह 11 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके सामने रख देती हूं। नोट बैन को लेकर संसद में आज का दिन भी बहुत हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने इसका ऐलान दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कर दिया है, यानी संसद आज भी चलने के आसार नहीं है। वहीं आज एक्सप्रेसवे पर चमत्कार देखने को मिलेगा। कैसे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब से थोड़ी देर बाद फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग होने वाली है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करने वाले। तो 11 बजे की ये दो बड़ी खबरें आपके सामने तस्वीरों के जरिए। अब पहली खबर की बात कर लेते हैं, यानी संसद में होने वाले विपक्ष की तरफ से हंगामे की। विपक्ष आज और कल दोनों दिन सदन नहीं चलने देगा। आज संसद में विपक्ष ने एक बैठक की, उसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई गई, ये रणनीति बनाई गई कि आज और कल संसद नहीं चलने देने के अलावा 23 नवंबर को पूरा विपक्ष संसद में गांधी जी की मूर्ति के सामने विशाल प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा पूरा विपक्ष राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करेगा। विपक्ष की मांग ये है कि नोट बैन की चर्चा के दौरान पीएम मोदी जो है वो राज्यसभा में मौजूद रहें और लोकसभा में नियम 56 के तहत बहस कराई जाए जिसमें वोटिंग होती है। उधर पीएम मोदी ने भी संसद में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। ये टीएमसी के तमाम वो सांसद आपको नजर आ रहे हैं जो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन पूरा होगा विद दीज ऑल दीज पार्टीज एक साथ राज्यसभा लोकसभा में, और बुधवार मॉर्निंग में ये डिसाइड हुआ गांधी स्टैच्यू के बाहर 200 एमपीज फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा ऑफ ऑल दीज पार्टीज विल यहां में धरना होगा।